हेलो व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे पाउडर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो कि आपकी आंखों की रोशनी को काफ़ी हद तक बढ़ा देगा। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे लग जाते हैं, अगर आपको भी चश्मा लगा हुआ है तो वो भी उतर जाएगा। आप इस नुस्खे को ज़रूर आजमा कर देखिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर फायदा होगा। ये हमारा खुद का आजमाया हुआ है, तो चलिए फिर आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इस पाउडर को बनाने के लिए हमने 100 ग्राम मोटी वाली सौंफ ली है। इसको हमने साफ़ कर लिया है, कोई तिनका वगैरह दिखे इसके अंदर तो आप उसे निकाल दीजिएगा। अगर आपके पास इस तरह लोहे का इमाम दस्ता या लोहे की ओखली है तो आप उसमें सौंफ को डालिए और इसे दरदरा कूट लीजिए। और अगर आपके पास ये इमाम दस्ता या ओखली नहीं है तो इसको आप मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिए, सौंफ को हमने दरदरा पीस लिया है। अब हम इसमें 100 ग्राम बादाम डाल देंगे। जिन्हें हमने सौंफ ली है उतने ही बादाम लेंगे और बादाम को भी कूट लेंगे सौंफ के साथ में ही। अगर आपके पास ये इमाम दस्ता नहीं है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ले, आप इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये इमाम दस्ता है तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि लोहे के इमाम दस्ते के अंदर इन सब को कूटने से इसका असर जल्दी होता है। तो ये देखिए, बादाम को भी हमने सौंफ के साथ बारीक कूट कर तैयार कर लिया है। अब हम इसके अंदर मिश्री ऐड करेंगे। तो आपको इसके अंदर ये मोटी वाली मिश्री डालनी है, इसे आप धागे वाली मिश्री भी कह सकते हैं, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। धागे वाली मिश्री ही हमें इसके अंदर डालनी है, बारीक वाली मिश्री आप बिल्कुल ना डालें। 100 ग्राम ही हमने मिश्री ली है और इसे भी हम इसके साथ ही कूट लेंगे। आपको ये तीनों चीज़ें बराबर क्वान्टिटी में डालनी है। तो ये देखिए, मिश्री को भी हमने अच्छी तरह से कूट लिया है, लेकिन ये अच्छी तरह से बारीक नहीं हो पाया है, पाउडर नहीं बन पाया है, तो इसे हम बारीक करने के लिए मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसे हल्का सा मिक्सी में चला लिया है। ये देखिए, एकदम फाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इस पाउडर को आप किसी भी सूखे और साफ एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख लीजिए। इसे आप 2 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इसे आपको रात को सोते वक्त गर्म दूध के साथ लेना है। 1 गिलास दूध में 2 टीस्पून डालकर ले सकते हैं। इसे लेने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। 2 घंटे तक तो आप पानी बिल्कुल ना पिए, और अगर प्यास लगती है तो हल्का सा गुनगुना पानी पी सकते हैं। ठंडा पानी रात में बिल्कुल नहीं पीना है, इस बात का ख्याल रखना है। इस पाउडर को बच्चे, बड़े, बुजुर्ग कोई भी ले सकते हैं जिनकी आईसाइट वीक हो। अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज नीचे लाइक का बटन जरूर दबाइए और इसे आजमाने के बाद कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।